कैसे रहे? पोर्क हमने अगरतला में भी खाया है, उसका टेस्ट सेपरेट है, इसका टेस्ट भी कम्प्लीटली सेपरेट है। बारबेक्यू ये पहली बार खाया है, एकदम ऑसम। माने कोयलम तो माने कोया लाभ नहीं, बढ़िया बढ़िया, माने बढ़िया टू द एक्सट्रीम। हम लोग घर पे जैसा जैसा पका के खाते हैं ना, मैरिनेट जो किया है ना, नॉर्मल हम लोग का मसाला नहीं है, कुछ अलग बारबेक्यू का। तीस्ता बाजार से त्रिपेनी कैंपिंग साइट जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, और सिलीगुड़ी से यदि आप त्रिवेणी कैंपिंग साइट में आना चाहते हो तो तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है यह साइट। सामने ही एक हॉस्पिटल है टूरिस्ट के लिए, और इधर से आप लोग उस कैंपिंग साइट में जा सकते हो। इधर से आप स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हो, यदि आप 4 बजे से पहले आते हो तो सब कुछ चार्जेबल होगा। थोड़ा टेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा ये सब टेंट्स। इस टेंट पे हम लोग रात को रहेंगे। बहुत बढ़िया जगह है, अमिडस्ट द लैप ऑफ द नेचर यू कैन एंजॉय, एटलीस्ट टुडेज नाइट वी कैन एंजॉय लॉट। ये हमारा टूर बिक्स एडवेंचर का प्रोप्राइटर, आपका नाम भैया? हेलो नमस्ते, मेरा नाम सुजक है। और भैया लोग इतना दूर से त्रिपुरा से यहाँ पे मतलब कैंपिंग करने के लिए आया था, और भैया जो चार जन आया था इतना मतलब अच्छा था कि मतलब कोई कंप्लेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम दोस्तों की तरह रहा यहाँ पे, है ना। और सबसे अच्छा लगा, और मतलब आप लोग की कैंपिंग में, ये एक्चुअली त्रिवेणी करके जगह है, क्यों त्रिवेणी बोलता है ये जगह को, क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय 3 हिल्स, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग एंड सिक्किम, और 2 नदी का मेल है, ये टिस्टा एंड रिवर रंगी, और काफ़ी अमेजिंग एंड वंडरफुल प्लेस है। और यदि आपको एक नेचर मतलब लवर है तो ये जगह आइए, कैंपिंग एडवेंचर मतलब एक में पार्ट लीजिए, है ना। नाइट कैंपिंग रहेगा हम लोग का, उसमें आप लोग का खाना से लेकर सुबह ब्रेकफास्ट, बॉनफायर, बारबेक्यू, और कल तो जैमिंग सेशन नहीं हुआ, भैया लोग स्पीक कर दिया था हम लोग का, गिटर विटर बजा के हम लोग का जैमिंग ये सब भी चलते हैं। तो अभी आएंगे तो आप लोग बुक करके आइए, हम लोग का पिक सीजन होता है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये टाइम में आप लोग का बुकिंग मिलना उतना मतलब इजीली बुकिंग नहीं मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग आइए, इंजॉय कीजिए, और हम लोग का साथ में फैमिली जैसा अपना लव शेयर कीजिए, फीलिंग शेयर कीजिए। अच्छा भैया, आप ये टूर वीक्स एडवेंचर तो है ही आपका, अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या दूसरा टूर पैकेजेस भी कंडक्ट करते हैं? टूर पैकेज करते हैं, जैसे कि जनरली टूरिस्ट लोग एक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग या सिक्किम करके एक स्पेसिफिकली एक टारगेट करके आता है, पर उन लोग को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली कहाँ जगह एक्चुअली अमेजिंग प्लेस है। आप लोग टाउन एरिया से आया हुआ है, फिर टाउन एरिया पे जाएंगे, है ना। जैसे आप दार्जिलिंग बोलेंगे, दार्जिलिंग पे इतना, इसको दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ द हिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो पैनोरामिक कंचनजंगा व्यू सिक्स सिस्टर्स आपका दिखता है ना, वो कहीं से भी नहीं दिखेगा। जैसे टाइगर हिल से आपका कंचनजंगा भी देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट भी देख लीजिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड यहीं से दिखेगा। और तब भी मैं आपको, यदि यंगस्टर से वॉकिंग करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग संदकपुर, टुंगलू, ये सब जगह में आप लोग जाएंगे तो आपका इमेजिंग ट्रिप हो जाएगा। मतलब वो क्या, वाया कालिम्पोंग होके? नहीं, ये आपका दार्जिलिंग का हो गया आपका। अच्छा। और कालिम्पोंग जब आएंगे तो कालिम्पोंग बहुत सारा मतलब, कालिम्पोंग ऐसा जगह है कि जहाँ पे आप लोग का बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस आप लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। जैसे कालिम्पोंग इज फेमस फॉर लोकल आइटम, जैसे हो गया कि मतलब बहुत सारा लोकल, शनिवार और बुधवार को यहाँ पे हाट लगता है आपका, उस टाइम आप लोग बहुत सारा लोकल आइटम टेस्ट कर पाएंगे, फॉम्पी से लेकर आप लोग क्या क्या बोलो आपको, आप देखेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा क्या है ये, तो एक पूछते पूछते आप लोग खाएंगे, टेस्ट करेंगे, खरीदेंगे, तो बहुत सारा। और कालिम्पोंग का आप लाभा जाइए, जहाँ से आपका मतलब लोली हो गया, ये हो गया आपका समथार जाइए, तो आपको मतलब जन्नत बोलते हैं ना, मतलब वो मिलेगा आपको। आप सजेस्ट कर रहे हो ऑफबीट लोकेशंस का? जी 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 जी,
तो आप लोग का क्या होगा, पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा, टूर पैकेज में सपोज मैं ऑफ बीट लोकेशन, आपने जो बोला अभी दो तीन ऑफ बीट लोकेशन में जाता हूँ, तो पर पर्सन का अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा गाड़ी उड़ी लेके? जी जनरली आपका तो हम लोग ऐसा पैकेज तो नहीं बनाता है, पर वी विल हेल्प कस्टमर। जैसे आप जहाँ जा रहे हैं उसका होम स्टे बुकिंग कर लेगा, जितना रेट होगा वही आपको पड़ेगा, और गाड़ी कितना पड़ेगा वही पड़ेगा आपका। बाकी आपका जैसे ऑफ बीट में क्या होगा कि मील इंक्लूड होता है 3 टाइम का आपका। अच्छा, ये सबसे आपका मतलब ये हो जाएगा। अंदाजन कोई आइडिया है? जैसे लाभा जाना है तो आपका मेन आपको दार्जिलिंग जाना है, लाभा ये मतलब कालीमुंग जाना है, सिक्किम जाना है, मेन आपको सेंट्रिक पॉइंट रहेगा आपका टिस्टा बाजार। अच्छा। यहीं से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कालीमुंग 15 किलोमीटर टिस्टा बाजार से, सिलगुड़ी जैसे आपका 52 किलोमीटर, दार्जिलिंग 32 किलोमीटर, सिक्किम 64 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या रहेगा आपको कोई भी जगह पे आपको प्लानिंग कर पाएंगे आप लोग मतलब जाने के लिए। जैसे टिस्टा बाजार से कालीमुंग जाना है आपको शेयरिंग गाड़ी भी मिल जाएगा आपको। अच्छा। या रिजर्व करके जाना है तो कितना लेगा आपका कालीमुंग से? आपका छोटा गाड़ी लेंगे तो टिस्टा बाजार से तो आप लोग का वही 1300-1400 में आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, है ना। बड़ा गाड़ी लेंगे जैसे टाटा सुमो बोलेरो ये सब लेंगे तो वही हिसाब से आपका चार्ज पड़ेगा तकरीबन 3 पकड़ के चलिए। अच्छा। लाभा तक आपका बोल, लाभा तक। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे स्टे भी अच्छा ही है, लाभा में आप बैठिए, आदमी भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और तिब्बतियन कल्चर देखने को मिलेगा कहाँ पे? लाभा पे आप लोग कहाँ लाभा पे मिलेगा, और दूसरा ये आपका पेदुंग जैसे आपका अलगड़ा क्रॉस करेंगे वहाँ बहुत सारा मिल ये मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ का मतलब क्या बोलूँगा, मतलब टाउन से तो आया हुआ है, टाउन तो घूमते रहते हैं, ऑफबीट लोकेशन नहीं, लोकेशन में एक बार आइए, वहाँ का कल्चर हेरिटेज, वहाँ का क्या खाता है, क्या कैसे सर्वाइव करता है। अच्छा, ये सब जानेंगे तो एक मतलब आपका होता है ना मतलब एक डिफरेंट टूर, डिफरेंट टूर सब्जेक्ट, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस रहेगा, यही चीज देखना है एक्चुअली आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यदि आप रिवर राफ्टिंग करते हो तो वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। अभी मैंने पता किया है कि वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए अलग सा एक बोट में 6 जन आ सकता है, एक बोट के लिए 4500 रुपया इधर से शुरू होगा और बहुत दूर तक जाएगा, इस जगह से शुरू होता है। और यह है टेंट, टोटल 60 टेंट है इधर, 12 BBQ का अरेंजमेंट, जितना भी टूरिस्ट लोग आता है, यह बारबेक्यू का अरेंजमेंट, जितना भी टूरिस्ट लोग आता है, फिलहाल तो ग्रुप जो आया है बहुत ही कम ग्रुप्स आया है अभी तक, क्योंकि चेकिंग टाइम होता है 4:00 PM से, क्योंकि दिन में तो जो इधर का रेत होता है बहुत गर्म होता है, तो इसलिए चेकिंग टाइम इतना जल्दी नहीं रखता उन लोग, 4 बजे का रखता है चेकिंग टाइम, चेकआउट नेक्स्ट डे 4 बजे। यह है मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स, रंगीत और तिस्ता। तिस्ता है आपका वो वाला, वो तिस्ता है, और यह है रंगीत। इधर से रिवर राफ्टिंग भी होता है। एक्चुअली हम लोग ने जो टूर विस्टा से हम लोग ने जो पैकेज लिया है वो वेस्ट बंगाल टूरिज्म से लिया है, मतलब ये जितना भी आप टेंट देख पा रहे हो डिफरेंट कंपनीज का है। तो हमारा जो पैकेज था वो टूर बिक्स का था, वो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप सिक्किम के तरफ जाओगे तब आप सिक्किम टूरिज्म के अंडर में ऐसा ही टेंट मिल जाएगा, ऐसा ही पैकेज मिल जाएगा। इसी को ही पॉन्ड बोलता है, क्योंकि ये अभी स्टील वाटर है, क्योंकि सामने ब्लॉकेज है पत्थरों का, थोड़ा आगे जाओगे तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है। तो इसी जगह पे आपको
यदि नहाना है तो इसी जगह पे नहाना है। सामने का नजारा देखो, मजा आ रहा है क्या? बताओ, बोलो। इतना मजा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है। बहुत ही ठंड है, बहुत ठंड है। लो लो, आयो। देखो, आए। लंबा पाव यार, किसका है रे? एक तो लंबा हुआ, तू सुझा आई नहीं? आतो, आतो। सुझा है, सुझा है, सुझा है। इस जगह में पानी का स्पीड कम है, इधर ज्यादा है। इस जगह में स्पीड ज्यादा है, इधर कम है। चिकन के संग पोर्क भी ग्रिल करेगा, और यह है ग्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट। जब पूरा लकड़ी बुझ जाएगा तो उससे जो हीट निकलेगा उससे ही पूरा ग्रिलिंग होगा। पोर्क सिर्फ दो आदमी का। तो अच्छा, जेबीएल पार्टी बॉक्स 100। सर, कोई आप लोग का प्रॉब्लम हुआ ना, तो ये रहा चिकन, चिकन और पोर्क दोनों एक संग। चिकन का पीस कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट में। इसके संग दिया ये पोर्क, इसके संग नींबू, और ये है चिकन। संतु एक खा के देख कैसा है टेस्ट। एक बात बोलू, कैसा रे? पोर्क हमने अगरतला में भी खाया है, उसका टेस्ट सेपरेट है, इसका टेस्ट भी कम्प्लीटली सेपरेट है। बारबेक्यू ये पहली बार खाया है, एकदम ऑसम। माने कोई लम तो माने कोई लाभ नहीं। बढ़िया बढ़िया, माने बढ़िया टू द एक्सट्रीम। तन्मय, आई एम मिसिंग रियली सीजन। আমি সিজনে মিস করতেছি, কারণ সিজন এই ডিশটা মানে খাইতে পারছে না। इसके संग चटनी दिया है क्या? चटनी दिया है, चिल्ली सॉस, नॉर्मल सॉस और वो टोमेटो। चिकन कैसा है रे? दारुण दारुण, बहुत बढ़िया है। हम लोग घर पे जैसा पका के खाते हैं ना, ऐसा नहीं। मैरिनेट जो किया है ना, नॉर्मल हम लोग का मसाला नहीं है, नहीं, कुछ अलग, कुछ अलग बारबेक्यू का, कुछ अलग अलग। बॉनफायर रेडी है हमारा, सामने नदी है, नदी के पास ये बॉनफायर, बहुत मजा आ रहा है। अभी सुबह के बज गए 7, अभी नींद से उठा हूँ। फिलहाल अभी टेंट के अंदर हूँ, बाहर जाएंगे फिर। चेकआउट टाइम हमारा है इधर से 11 बजे, फिर हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे। ये टेंट के बाहर का नजारा,
ये एक टेंट था हमारा, और ये दूसरा टेंट जिसमें मैं था।